अब बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने पथराव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। बुधवार को विसर्जन के दौरान प्रशासन ने कुछ इलाकों में मीट की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था। पुलिस के मुताबिक उसी इलाके में विसर्जन यात्रा पर पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के ऊपर टोला के पास जब विसर्जन यात्रा पहुंची तो आसपास के घरों से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दुकानों में तोड़फोड़ की जाने लगी। कई जगहों पर दुकानों को आग लगा दी गई। इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव की चपेट में पुलिसकर्मी भी आए, दो पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल विसर्जन के लिए यात्रा निकल रही थी और उसी दौरान पथराव हो गया। अब 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बेगूसराय तनाव की चपेट में आया। विसर्जन के दौरान यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान दुकानों से माल लूटा गया, कई दुकानों और घरों में आगजनी की गई। पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये लोग वैसे लोग हैं जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया। उनको पुलिस ने तुरंत वहाँ पे कैच किया है, अरेस्ट करके उनको डिटेन किया है। अब उनसे पूछताछ हो रही है और भी इसमें वीडियोग्राफी हुई है, उन सबकी पहचान की गई। यहाँ पे फोर्स है, मजिस्ट्रेट है। हम लोग के आने के बाद यहाँ हल्का बल प्रयोग किया गया, उसके बाद भीड़ यहाँ तितर बितर हो गई है। अब यहाँ स्थिति सामान्य है, यहाँ बल की नियुक्ति की जा रही है और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सुबह कुछ दुकानें हैं रोड पे, मीट बेचने का काम करती हैं, उनको नगर निगम ने बंद कराया था क्योंकि उस रोड से मूर्ति का विसर्जन होना था। आज इसमें ऐसा पाया गया कि 5-6 दुकानदार जिनकी दुकान बंद कराई थी प्रशासन ने, उन्हीं लोगों ने जब मूर्ति वहाँ से गुजर रही थी तो उस पर पत्थर चला दिया और उसके बाद वहाँ पे जो जुलूस में कुछ लड़के थे उन्होंने भी उस पर रिएक्शन किया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी, एसटीपीओ वहाँ पे थे, फोर्स भी थी और दोनों साइड पे बल प्रयोग किया गया। उसके बाद लोग तितर बितर हो गए हैं। अब यहाँ स्थिति सामान्य है, यहाँ पर हम लोगों ने बल की नियुक्ति कर दी है, मोटरसाइकिल टीम्स लगा दी हैं, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और मैं हूँ यहाँ पे, डीएम साहब हैं, एसटीएम हैं, सभी लोग हैं। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंच रहे हैं। गिरिराज सिंह ने विसर्जन के दौरान पथराव के लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार नहीं चाहती कि बिहार में हिंदू अपने त्योहार मनाएं, इसलिए विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने आगाह किया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। हमें तो सूचना बलिया का मिला है, लक्ष्मीनिया बलिया का, और पत्थरबाजी की गई। बलिया में कभी हिंदुओं ने तजिया पे पत्थरबाजी नहीं की। ये हिंदुओं का धैर्य बताता है, सहिष्णुता बताता है। लेकिन जिस ढंग से दुर्गा की प्रतिमा पर विसर्जन में, अगर मैं जा ही रहा हूँ, कल मैंने एसपी से बात की थी कि साहब जाके आप संभालें, अगर नहीं होगा तो फिर नीतीश कुमार जी की यही इच्छा है कि हिंदू अपना देवी दुर्गा पूजा बंद कर दे, तो मैं समझ लूंगा कि नीतीश कुमार की सरकार जब तक रहेगी बिहार में, बेगूसराय में, बलिया में हिंदू अपना पूजा बंद कर देंगे, दुर्गा मूर्ति का पूजन विसर्जन सब बंद कर देंगे। नीतीश कुमार की यही इच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार भूले नहीं, हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन एक एक पाई का हिसाब। आप मुझे जातियों में विभक्त कर सकते हैं, दूसरा मेरा धर्म जान के मेरी हत्या कर सकता है, लेकिन समय आने पर आपको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी सामने आया है, जहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान तनाव पैदा हो गया। मिर्जापुर में जसोवर पहाड़ी इलाके में दो पक्षों ने झंडा लगाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई।
ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में पथराव होने लगा। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कई थानों की पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद समझौता करवा दिया है। साथ ही यह भरोसा भी दिया कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरअसल झंडा हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही थी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन की, और एक समुदाय का जब झंडा हटाने की कोशिश दूसरे समुदाय की तरफ से की गई, तो उस दौरान दोनों समुदायों के बीच इस तरह का तनाव पैदा हो गया।